हेलो स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज को आगे बढ़ाते हैं। आज इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखता है, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018। लिखता है, राधिका ट्रेडर्स के बुक्स में ये सब बैलेंसेस अपीयर कर रहा है एज ऑन 1 अप्रैल। इसका मतलब क्या है, समझो। होता क्या है कि हर साल जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं तो साल के अंतिम दिन सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है, और दूसरे साल यानी नेक्स्ट ईयर कि पहली तारीख को वापस बुक्स को ओपन किया जाता है। और जिस दिन ओपन करते हैं यानी हाल की पहली तारीख को, उस दिन हम लोग सारे एसेट्स को डेबिट करते हैं और सारे लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। तो यहां देखो, आपको बहुत सारा एसेट्स दिया हुआ है तो इन सबको डेबिट करेंगे, और लाइबिलिटीज दिया हुआ है इसको क्रेडिट करेंगे। सारे एसेट्स को इंडिविजुअली अपने बुक वैल्यू पे डेबिट करेंगे और लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। जो जो एसेट्स है सबको डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर्स देखो दिया हुआ है, लेकिन डेटर्स में फिर नाम भी दिया हुआ है कि मोहन है, सोहन है, दिनेश है, तो इन सबको इंडिविजुअली डेबिट करेंगे। फिर फर्नीचर डेबिट होगा, बिल्डिंग डेबिट होगा, और क्रेडिटर है तो ये क्रेडिट होगा, तो एक्स दिया है, वाई दिया है, तो इन दोनों को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ देखो, कैश बैंक सब डेबिट कर दिए, डेटर्स में तीनों का नाम डेबिट कर दिए, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर में एक्स और वाई था, वो दोनों को भी क्रेडिट कर दिए। डेटर यानी एसेट सारा डेबिट होगा और लाइबिलिटीज क्रेडिट होगा। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि डेबिट और क्रेडिट देखो हमेशा बराबर होता है, लेकिन यहां बराबर नहीं आ रहा। यहां देखो, डेबिट बहुत ज्यादा है और क्रेडिट कम है, ठीक है। तो ओपनिंग जर्नल एंट्रीज हम लोग जब भी करेंगे, सारे एसेट्स को इंडिविजुअली डेबिट करना, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना, और देखना किधर बैलेंस बच रहा है, डेबिट साइड बच रहा है कि क्रेडिट साइड बच रहा है। इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड कम है, यानी क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है, और जब क्रेडिट में बचेगा तो इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। ये जो डिफरेंस आता है इसको कैपिटल बोलेंगे। आपके समझने के लिए लिख दे रहे बैलेंसिंग फिगर। यहां बैलेंसिंग फिगर का मतलब है कि अमाउंट बैलेंस करके निकाला जाएगा, यानी इन सबको जोड़ के ये दोनों माइनस कर देंगे। यहां से लेके यहां तक पूरा जोड़े तो आएगा 1,11,000, और इधर है 11,000, तो 1,11,000 में से 11,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,00,000, और ये डेबिट क्रेडिट अब बराबर हो गया। तो नीचे बैलेंस यानी क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा तो कैपिटल लिखेंगे, और कभी अगर डेबिट में बैलेंस आएगा तो गुडविल लिखेंगे, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज में क्रेडिट में बैलेंस आएगा तो कैपिटल लिखेंगे, और डेबिट में बैलेंस आएगा तो गुडविल लिखेंगे। और नरेशन कर देना, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज brought forward, ठीक है। अब आपको पूरे अप्रैल के मंथ का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, तो जैसे हम लोग जर्नल करते हैं वैसे करेंगे। तो ये सेकेंड पॉइंट बहुत अच्छा है, ये हम लोग दो वीडियो पहले पढ़े थे, एक अरुण वाला पॉइंट था, वैसा ही है। लिखता, बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹6,000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। फिर लिखता, पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या है कि खन्ना ब्रदर्स से गुड्स खरीदे 6,000 का, जिसमें 15% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो उसको माइनस कर लेंगे। फिर यहाँ कैश डिस्काउंट भी है 2%, और कैश डिस्काउंट मिलता है जितना हम लोग कैश पे करते हैं। तो यहाँ कैश हम लोग सिर्फ 40% पे कर रहे हैं, यानी 60% उधार है, और उधार वाले पे कभी कैश डिस्काउंट नहीं होता है। देखो, 6,000 का गुड्स खरीदें, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखेंगे तो आएगा 5,100, यानी 5,100 का गुड्स खरीदें, कुछ पैसा दिए और कुछ पैसा देना बाकी है। जो देना बाकी है उसके लिए नाम लिखेंगे, तो खरीदे हैं खन्ना ब्रदर्स से तो खन्ना ब्रदर्स का नाम लिखेंगे, और जो पैसा दिए उसके लिए कैश लिखेंगे, और जो कैश देंगे उस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा तो उसको डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे, ठीक है। तो खरीदे एक्चुअली 5,100 का, इसमें 40% पेमेंट कर दिए, ठीक है। तो कितना परसेंट पेमेंट नहीं की, 60%, तो 60% उधार हो गया। उधार जो हो गया वो जाएगा खन्ना ब्रदर्स के नाम पे, पैसा नहीं दिए तो उसका नाम लिखते हैं, तो 5,100 का 60% यानी 3060 तो उधार हो गया। तो 5,100 में अगर 3060 उधार हो गया तो बचा 2040, यानी हम लोग को 2040 यानी 2040 रुपया देना था, और उस 2040 पे भी हम लोग को डिस्काउंट मिलेगा
कैश डिस्काउंट 2%, जितना आप कैश पे करेंगे उसमें 2% डिस्काउंट है, तो 2040 का 2% यानी आ गया 40 रुपीज 80 पैसे, तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं 41 रुपीज, तो 41 रुपीज डिस्काउंट हो गया। तो 2040 रुपीज देना था जिसमें 41 डिस्काउंट हो गया, तो पैसा देंगे 1999 रुपीज, ठीक है, कैश में जाएगा 1999। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिखता रिसीवर ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक। मोहन से 9750 का ड्राफ्ट मिला और उस ड्राफ्ट को सेम डे बैंक में जमा कर दिए, समझो चेक मिला। तो मोहन से पाते कितना थे, तो यहां देखो मोहन हम लोग का डेटर था 10,000 का, मोहन से 10,000 पाते थे, 9750 का ड्राफ्ट मिला इन फुल सेटलमेंट और उस ड्राफ्ट को बैंक में जमा कर दिए। तो मोहन से पाते थे 10,000, 9750 का ड्राफ्ट मिला इन फुल सेटलमेंट, तो 250 रुपीज डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, लिखता परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹8,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हिम बाई चेक। सुरेश से गुड्स खरीदे 8,000 का जिसपे 20% डिस्काउंट है और उसको चेक से पेमेंट हम लोग कर दिए। एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6400, क्योंकि 8,000 में 20% ट्रेड डिस्काउंट है। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक ₹25,000, गुड्स बेचे चेक मिला। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक 10 तारीख को, चेक मिला है 8 तारीख को, जमा किए 10 तारीख को, इसका मतलब सेम डे जमा नहीं किए। तो अब यहां पे दो बात है, सीबीएसई वालों को अलग ट्रीटमेंट करना है, आईएससी वालों को अलग ट्रीटमेंट करना है। ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई वालों को लिखता है कि अगर चेक मिलता है और बैंक में जमा नहीं करते हैं तो उसको हम लोग चेक इन हैंड बोलते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई वाले लिखते हैं चेक इन हैंड, तो जब चेक मिला और बैंक में जमा नहीं किए तो वो लोग क्या लिखते हैं, चेक इन हैंड। तो सीबीएसई वाले जब बच्चे जो है, ध्यान दीजिए, जब चेक मिला, गुड्स बेचे चेक मिला और चेक को सेम डे बैंक में जमा नहीं किए, तो हम लोग लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जमा नहीं करते हैं चेक को बैंक में तो चेक इन हैंड लिखते हैं। फिर इसको दो दिन के बाद 10 तारीख को बैंक में जमा किए तो बैंक बढ़ेगा, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में जमा किए और आया था तो लिखे थे चेक इन हैंड, तो अब ये जमा किए तो जाएगा क्या, चेक इन हैंड, तो चेक इन हैंड लिखेंगे, यानी जो चेक इन हैंड हमारे पास था उसको हम लोग बैंक में जमा कर दिए। तो सीबीएसई वाले बच्चे लिखेंगे जब आएगा तो चेक इन हैंड को बढ़ा लेंगे और जब इसको बैंक में जमा करेंगे तो चेक इन हैंड को वापस घटा लेंगे। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और दो दिन बाद बैंक में जमा किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब आईएससी वाले बच्चे ध्यान देना, गुड्स बेचे चेक मिला तो आईएससी के बच्चे लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक को बैंक में जमा नहीं किए तो हम लोग कैश बढ़ाते हैं आईएससी में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी चेक मिला और बैंक में जमा नहीं किए तो हमारा कैश बढ़ेगा, चेक को हम लोग कैश ट्रीट करते हैं, हमारे पास चेक आया और उस चेक को हम लोग बैंक में जमा नहीं किए मतलब हमारे पास कैश आया, और फिर उसको आठ तारीख को मिला और 10 तारीख को जब बैंक में जमा किए तो हमारा बैंक बढ़ेगा, और जब चेक आया था तो हम लोग कैश को बढ़ाए थे, कैश को डेबिट किए थे, तो उस चेक को जब बैंक में जमा करेंगे तो कैश को वापस घटा देंगे तो कैश क्रेडिट होगा। यानी जब हम लोग को चेक मिला तो हम लोग कैश को डेबिट किए, कैश बढ़ गया, और उस चेक को जब बैंक में जमा किए तो बैंक बढ़ गया और कैश घटेगा, तो बैंक को बढ़ाएंगे तो बैंक डेबिट होगा और कैश को घटाएंगे तो कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। जब चेक मिलेगा तो कैश बढ़ेगा क्योंकि बैंक में जमा नहीं किए, और उस चेक को जब बैंक में जमा करेंगे तो बैंक बढ़ेगा और कैश घटेगा तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो ये सीबीएसई आईएससी में थोड़ा डिफरेंट था, तो आप लोग अपने बोर्ड्स के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट, सोहन डिपॉजिटेड इन आर बैंक अकाउंट ₹4,000। सोहन जो है डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में 4,000 रुपीज जमा कर दिया, तो हमारा बैंक बढ़ेगा, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट ₹4,000। नेक्स्ट है पेड इनकम टैक्स बाई चेक, यानी इनकम टैक्स जो है हम लोग चेक से पे किए, तो इनकम टैक्स को हम लोग ड्रॉइंग्स लिखते हैं, तो एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और क्योंकि चेक दिए तो टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट पढ़ो, रिसीव अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक। लिखता सोहन से चेक मिला, सेम डे बैंक में जमा कर दिए और उसको डिस्काउंट भी दिए 200। तो चेक मिला, बैंक में जमा कर दिए, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट दिए तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट। फिर विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंड प्राइवेट यूज, बैंक से पैसा निकाले ऑफिस यूज के लिए भी और प्राइवेट यूज के लिए भी। तो बैंक से पैसा निकाले तो कैश आया, ऑफिस यूज के लिए निकालेंगे तो कैश को डेबिट करेंगे, और प्राइवेट यूज निकाले मतलब घर ले गए तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ऑफिस यूज के लिए जो निकाले उसके लिए करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और प्राइवेट यूज के लिए जो निकाले उसके लिए लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और दोनों आया बैंक से तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, बैंक हमारा घट जाएगा तो बैंक को घटाने के लिए क्रेडिट करते हैं। ये एसेट्स है और एसेट्स को घटाने के लिए हमेशा क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट देखो, लिखता सेंट अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4900, एक्स को पे कर दिए 4900 इन फुल सेटलमेंट। देखो एक्स को हम लोग को देना था 5000, एक्स हमारा क्रेडिटर था 5000 का, उसको 4900 दिए इन फुल सेटलमेंट, वो भी चेक से दिए। एक्स को दिए तो एक्स को डेबिट करेंगे, देना था 5000 इन फुल सेटलमेंट, हम लोग 4900 का चेक दिए तो 100 रुपीज डिस्काउंट हो गया। अब ध्यान दो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लिखता चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। यहां ऊपर देखो सोहन से एक चेक मिला था जिसको हम लोग बैंक में जमा किए थे, यहां लिखता है वो डिसऑनर हो गया 27th को, मिला था 20 तारीख को, 27 तारीख को वो डिसऑनर हो गया। 20 तारीख को जब चेक मिला था तो हम लोग एंट्री किए थे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, 27 को ये चेक डिसऑनर हो गया, तो बस इस एंट्री को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर देंगे और जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर देंगे, चेक डिसऑनर हो गया यानी वो एंट्री कैंसिल हो जाएगा। तो सोहन क्रेडिट है 8000 से तो सोहन को डेबिट करेंगे 8000 से, और बैंक डेबिट है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, बैंक डेबिट है 7800 तो क्रेडिट भी होगा 7800, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट था 200 तो डिस्काउंट अलाउड कैंसिल होने के लिए ये भी क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डिस्काउंट अलाउड को भी क्रेडिट कर देंगे 200। फिर देखिए नेक्स्ट, दिनेश वॉज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, यानी दिनेश इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब बैंक करप्ट हो गया। अब उससे हम लोग को सिर्फ 60 पैसे इन अ रूपी मिला, हम पिछले वीडियो में बताए थे 60 पैसे इन अ रूपी का मतलब है 60% मिला, यानी अब और नहीं मिलेगा, तो 60 पैसे इन अ रूपी यानी 60% मिला, वो भी चेक से मिला। तो देखो दिनेश से पाते थे हम लोग 14000 और इससे हम लोग को 60% मिला, बाकी डूब गया। दिनेश से पाते थे हम लोग 14000, इससे हम लोग को 60% मिला तो पैसा आया, और वो चेक से मिला तो बैंक लिखेंगे, चेक आता है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है तो हम लोग मान लेते हैं वो सेम डे बैंक में जमा हो गया, इसलिए बैंक लिखेंगे, हम लोग इसको सेम डे बैंक में जमा मान लेंगे, तो 14000 का 60% यानी 8400 मिला और बाकी पैसा डूब गया, उसको हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं, तो बैड डेट्स डेबिट हुआ, ये हमारा नुकसान है 5600 का। इस तारीख को देखो लिखता बैंक अलाउड इंटरेस्ट 350, यानी बैंक हम लोग को इंटरेस्ट दिया, तो बैंक हम लोग को इंटरेस्ट दिया तो ये हमारे लिए फायदा है, और फायदा हमेशा क्रेडिट होता है, और जो बैंक इंटरेस्ट देता है वो हमारे घर पे लाके नहीं देता है, वो हमारे जो बैंक में अकाउंट है ना उसी को बढ़ा देता है, तो बैंक इंटरेस्ट दिया तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, और बैंक को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं क्योंकि ये एसेट्स है। तो बैंक इंटरेस्ट देगा तो बैंक बढ़ेगा तो बैंक डेबिट होगा, और इंटरेस्ट मिला तो ये फायदा है तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, फायदा क्रेडिट होता है, नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट है पेड फॉर रेंट बाय चेक, रेंट दिए चेक से तो एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट, और चेक देते हैं तो बैंक क्रेडिट होता है, रेंट दिए 1500। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए चेक से तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा, एंट्री होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहां इंटरेस्ट हम लिख दिए, आप इंटरेस्ट रिसीव भी लिख सकते हैं, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, सिर्फ इंटरेस्ट भी चलेगा, इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा मतलब वो रिसीव्ड है। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर का पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसका ये 12B भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ये भी आप बना लीजिएगा।